और उस गुत्थी को सब अपने अपने एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअली कोई भी थ्योरी उस इंसिडेंट पर फिट नहीं बैठती, इसलिए वो जगह और उससे रिलेटेड इंसिडेंट अनसॉल्व और मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं। ऐसी एक जगह है जो बहुत मिस्टीरियस है और उस पर घटे हैं बहुत इंसिडेंट्स। हम बात कर रहे हैं एक लाइट हाउस की जो बहुत बहुत मिस्टीरियस है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस मिस्टीरियस लाइट हाउस को। अ मिस्टीरियस लाइट हाउस। ये लाइट हाउस इलियन मोर के पास है स्कॉटलैंड में और ये जगह फेमस है अपनी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस के लिए। यहाँ पर बहुत सारी एबनॉर्मल घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। ये लाइट हाउस 75 फुट का है जो कि डेविड एलन स्टीवेंसन ने बनाया था और ये बनाया गया था नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के लिए। सबसे पहले जानते हैं लाइट हाउस का काम क्या होता है। लाइट हाउस का काम होता है बोट्स शिप्स को सिग्नल देने का कि कहाँ वाटर में डेंजर एरियाज हैं, साथ ही नेविगेशन का काम होता है लाइट हाउस का। ये लाइट हाउस एक टावर होता है जिसके ऊपर एक ब्राइट लाइट लगी होती है। ये लाइट हाउस बदनाम है यहाँ गायब हुए वर्कर के लिए। सबसे पहला किस्सा सामने आया सन 1900 के दिसंबर के महीने में, जब आक्टर नाम का स्टीमर इस लाइट हाउस के पास से गुजर रहा था। इस स्टीमर के कैप्टन ने देखा कि लाइट हाउस वर्क नहीं कर रहा, जबकि रूल के हिसाब से लाइट हाउस हमेशा वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि आइलैंड्स पर लाइट हाउस का काम एक तरह से ट्रैफिक सिग्नल की तरह होता है जो शिप्स को इंडिकेट करता है। अब ये चीज कैप्टन ने लाइट हाउस की एजेंसी को कन्वे की, क्योंकि लाइट हाउस पर वर्कर और इनकी मेंटेनेंस एजेंसी के थ्रू होती है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी एजेंसीज की होती है। साथ में लाइट हाउस की मेंटेनेंस भी एजेंसी के थ्रू ही की जाती है। एजेंसी को जब ये बात पता चली तो वो हैरान हो गई, क्योंकि एजेंसी ने एक हफ्ते पहले ही 3 वर्कर को इस लाइट हाउस की ड्यूटी के लिए अलॉट किया था और वो लाइट हाउस पहुंच गए थे। 3 लोगों को तैनात किया गया था इस लाइट हाउस की रखवाली के लिए, जो थे विलियम मैकआर्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स दुकार्ट। लाइट हाउस ऑपरेशनल नहीं था और इसी की जांच के लिए एक रिलीफ वेसल को भेजा गया जिसका नाम था हेस्परस। लाइट हाउस की तरफ पहुंचने के बाद क्रू ने देखा कि वहां लाइट हाउस पर कोई फ्लैग नहीं था, जबकि अगर लाइट हाउस ऑपरेशनल हो तो वहां एक फ्लैग हमेशा होना चाहिए। इस रिलीफ वेसल में कैप्टन का नाम था जेम्स हार्वे। इन्होंने कई बार लाइट हाउस पर रह रहे कीपर को सिग्नल दिया जिससे वो बाहर आकर देखे और अपनी कुछ सूचना दे, इसलिए कैप्टन हार्वे ने फ्लेयर चलवाई जिसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर लास्ट अटेम्प्ट के लिए कैप्टन ने जोर जोर से शिप का हॉर्न बजाया, पर तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिरकार कैप्टन और क्रू को लाइट हाउस के आइलैंड पर उतरना पड़ा। जब वो लाइट हाउस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ भरी हुई सप्लाई क्रेट्स बाहर रखी हुई थी, जबकि वहाँ खाली सप्लाई क्रेट्स होनी चाहिए थी। और फिर कैप्टन हार्वे और उनके साथ एक क्रू मेंबर आइलैंड पर घूमने लगे। वहाँ उस टीम के अलावा और कोई नहीं था। वो आइलैंड पूरा सुनसान था और पानी बार बार पत्थरों से टकरा रहा था। उस शोर की गूंज पूरे उस आइलैंड पर थी। लाइट हाउस के अंदर जाने के दोनों एंट्रेंस अंदर की ओर से बंद थे। बहुत देर तक खटखटाने के बाद इसके एंट्रेंस तोड़े गए और अंदर कोई नहीं मिला। अंदर का माहौल कुछ यूं था कि लैंप की दोनों रिफिल्स साफ करके रखी गई थी, दोनों घड़ी बंद हो गई थी, बेड्स के ऊपर रखी चादर सब ऐसे थी मानो जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। एक चेयर वहां पर गिरी हुई थी। ये सब चीजें बहुत अजीब थी। एक सवाल जो कैप्टन हार्वे को जाते ही बड़ा सता रहा था वो ये था कि अगर घड़ी खराब होनी थी तो वहाँ एक भी हो सकती थी, पर दोनों घड़ी एक साथ खराब हुई, जो कि एक इत्तफाक हो सकता है, पर इस आइलैंड को इतना मिस्टीरियस माना जाता है तो इत्तफाक को मानना थोड़ा मुश्किल है। कहानी में अभी तो और भी राज थे जो खुलने थे। पूरे लाइट हाउस में और आइलैंड में उन 3 आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। वापस निकलते समय लाइट हाउस से हार्वे ने देखा कि बाहर जाने वाले गेट पर एक ओवरकोट टंगा हुआ था और बाकी 2 खाली थे, जिसका मतलब एक व्यक्ति तो लाइट हाउस में रुका था। रूल के हिसाब से लाइट हाउस पर एक ना एक व्यक्ति तो होना ही चाहिए, और शायद 2 व्यक्ति जब लाइट हाउस से निकले होंगे तो वहाँ एक व्यक्ति तो जरूर रुका होगा। पर वहाँ एक व्यक्ति की मौजूदगी का सामान तो था, पर वहाँ वो व्यक्ति नहीं था। ये 3 व्यक्ति कहाँ थे किसी को नहीं पता। आसपास के आइलैंड पर इन 3 लोगों की तलाश शुरू हुई। अब तक क्रू मेंबर्स समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो एबनॉर्मल हुआ है। अब आगे की कार्रवाई नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को करनी थी, क्योंकि कैप्टन हार्वे ने
इन तीन लोगों की गुमशुदगी को नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को टेलीग्राम कर दिया था। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी थी। ये केस अब नॉर्दर्न लाइट हाउस के सुपरिटेंडेंट को दिया गया, जिनका नाम था रॉबर्ट मुयरहेड, क्योंकि रॉबर्ट ने ही इन तीनों लोगों को इस एजेंसी में रिक्रूट करवाया था और ये इन तीनों को पर्सनली जानता था। रॉबर्ट को तब्दीश में लाइट हाउस से एक बुक बरामद हुई, जिसे लॉग बुक कहते हैं। लॉग बुक एक डॉक्यूमेंट होती है जो कीपर को लाइट हाउस में रखनी होती है। इस बुक में मौसम से रिलेटेड, लाइट हाउस से रिलेटेड सारी चीजें रिकॉर्ड करनी होती है। रॉबर्ट को इस लॉग बुक में लास्ट एंट्री 15 दिसंबर की शाम की मिली। उसके बाद इस बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं थी। इस एंट्री के बाद कोई एंट्री का ना होना दिखाता है कि जरूर उन तीनों के साथ कुछ घटना घटी होगी। लेकिन इन सब चीजों में पहले की एंट्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे पहले की एंट्री को भी चेक किया गया। उसमें 12 दिसंबर में मार्शल ने लिखा था कि मौसम बहुत खराब है और समंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। ऐसा लग रहा है लहरें आइलैंड को लाइट हाउस के साथ निकल जाएगी। ऐसी लहरें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी। साथ ही लॉग बुक में अपने पार्टनर यानी जेम्स डुगार्ट के बारे में लिखा था कि आज वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो बहुत गुमसुम भी है। साथ ही विलियम बहुत रो रहे हैं। इन तीनों की कहानी लॉग बुक में पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मानो तीनों ने अपनी मौत को देख लिया था। पर 13 दिसंबर को मार्शल ने लिखा था कि अब सब अंडर कंट्रोल लग रहा है और माहौल भी कल से सुधरा हुआ है, पर लहरें अभी भी उठ रही है। और 15 दिसंबर तक ये लिखा गया कि अब सब शांत है, पर लहरें शांत होने का नाम नहीं ले रही। 12 दिसंबर को जो भी बातें मार्शल ने लिखी उससे रॉबर्ट को बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो तीनों को पर्सनली जानता था और तीनों बहुत स्ट्रांग थे और वो इन सब चीज़ों से डर गए। ये बात रॉबर्ट के लिए बहुत अजीब थी। अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है, उसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विलियम के अकॉर्डिंग 12 दिसंबर को बहुत अजीब मौसम था और लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। इन बातों को क्रॉस चेक करने के लिए रॉबर्ट ने आसपास ट्रेवल करने वाली शिप से इस बारे में पता किया, पर आसपास की शिप्स ने आसपास के आइलैंड पर ऐसी कोई भी वेदर कंडीशन रिपोर्ट ही नहीं की थी। यानी सब कुछ सही था 12 दिसंबर को, और ना ही मौसम विभाग ने इस बारे में कुछ ऐसा बताया। उनके हिसाब से भी कोई भी वेदर कंडीशन या वेदर चेंजेस नहीं थे इस आइलैंड के पास। तो 12 दिसंबर को जो भी हुआ वो सिर्फ इन तीन लोगों के साथ हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था रॉबर्ट के लिए भी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इस आइलैंड का नाम एक प्रिस्ट के नाम पर रखा गया है। ये आइलैंड शुरू से ही अनलकी माना जाता है, क्योंकि यहाँ कभी कोई रहने नहीं आया। शुरुआत में यहाँ एक आबादी रहने आई थी, पर कई मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा और वो यहाँ से अचानक से रातों रात चले गए और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। इस आइलैंड पर कई बार एबनॉर्मल घटनाएं नोटिस की गई है। एक बार एक शिप ने इस आइलैंड पर एक फिगर देखी थी, लेकिन वो करीब आते आते गायब हो गई। और फिर एक बहुत बड़ी घटना ये डिसअपीयरेंसेस वाली बनी, जिसमें ये तीन लोग गायब हो गए। इस आइलैंड को शुरू से ही भूतिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसा एक अजीब सा वेदर महसूस किया गया है जो सिर्फ इस आइलैंड पर ही होता है। इन घटना पर कई थ्योरीज बनी और उनमें से कुछ थ्योरी यूं थी कि 15 दिसंबर को फिर से वेदर खराब हुआ होगा और एक कीपर यहाँ रुका होगा और बाकी दो कीपर यहाँ से निकल गए होंगे, और मौसम अच्छा ना होने की वजह से शायद वो दो कीपर पानी में डूबकर मर गए होंगे। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आखिर लाइट हाउस अंदर से बंद कैसे था? अगर लाइट हाउस अंदर से बंद था तो अंदर कोई भी क्यों नहीं था? ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह चुका है और ये सारी इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पर भी पोस्टेड है। साथ ही इस पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम है द वैनिशिंग, जो आपको जल्द ही हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। मिस्टीरियस और एबनॉर्मल घटनाओं पर कुछ लोग यकीन करते हैं, पर कुछ लोग इसे सिर्फ एक इत्तफाक समझते हैं। ऐसे इंसिडेंट कई बार हमारे अर्थ पर हुए, जैसे EWA 513, वासु भानोट ने टाइम ट्रेवल किया, और एक मिस्टीरियस मैन जो टॉयलेट से आया था। ये सारी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोगों के लिए एक सवाल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सच में आइलैंड भूतिया है? क्या लाइट हाउस में कोई ऐसी गतिविधियां होती है जो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।